Hello, my dear students who are interested in learning how to write advertisements. In this video, to teach you how to write advertisements, you will learn to know about advertisements, its importance, its characteristic features, its types, and some of the examples from the university examination paper, the questions that are repeatedly asked in the question paper. So to begin with, let's see what is an advertisement. Advertisements are written or visual messages dedicated to promoting a specific product, service, event or campaign, or publicizing a job vacancy. This means advertisement जो हैं वो written या visual messages होते हैं और उनका मकसद होता है, वो diverted होते हैं किसी specific product को. Product जैसे कि toothpaste हो सकता है, toothbrush हो सकता है, bathing soap हो सकता है, या फिर कोई कुकिंग ऑयल हो सकता है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इसके प्रमोशन के लिए डेडिकेट हो सकता है. सर्विसेज के लिए, सर्विसेज जैसे कि पेस्ट कंट्रोल सर्विस, इवेंट्स को भी एडवर्टाइज किया जाता है. आपने देखा होगा अयोध्या में जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उस इवेंट को भी एडवर्टाइज किया गया था. कैंपेन्स होते हैं, कैंपेन्स जैसे कि नो ड्रग रेजोल्यूशन, एंटी ड्रग कैंपेन होता है, एंटी डाउरी कैंपेन होता है, इसको भी पब्लिसाइज किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है. और फिर लास्टली जो सबसे महत्व का है आज की तारीख में हमारे लिए, वो है जॉब वैकेंसी. जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी भी आपको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से मिलती है. द नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्टीजमेंट कॉल्स फॉर पब्लिक अटेंशन टू एन आइडिया, गुड और सर्विस थ्रू पेड अनाउंसमेंट्स बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. यहाँ पर इस डेफिनेशन में एक ये बात कही जा रही है कि एडवर्टीजमेंट को कोई स्पॉन्सर होता है, उसे स्पॉन्सर करता है, ठीक है. और जो स्पॉन्सर करता है एडवर्टीजमेंट को, वो पब्लिक अटेंशन को कॉल करना चाहता है. पब्लिक अटेंशन किस बात पर? किसी आइडिया पर, किसी गुड्स पर या किसी सर्विसेज पर. और एक बात और इस डेफिनेशन में हमें पता लग रही है, वो ये है कि एडवर्टीजमेंट्स पेड अनाउंसमेंट्स होते हैं. मतलब ये एडवर्टीजमेंट्स एक प्रकार के अनाउंसमेंट्स हैं जो कि पेड होते हैं. और ये अनाउंसमेंट क्या हो सकते हैं? किसी आइडिया को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, किसी सर्विस को लेकर. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज, टू ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन एडवर्टाइजिंग आर measuring the value of the advertisement and ensuring it resonates with the right people. Advertisement करते वक्त हमें दो महत्व की बातों को ध्यान रखना है. Rather, ये बातें advertisement के करने के दौरान एक challenge के रूप में भी सामने आती हैं. और ये दो challenges हैं कि हमारे advertisement की value मतलब हमारा एडवर्टीजमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि उसको देखने वाले, उसको सुनने वाले उसको समझ सकें. और दूसरी बात, वो सही लोगों तक पहुंच सके. फॉर इंस्टेंस, अगर कोई जॉब वैकेंसी के बारे में एडवर्टीजमेंट है, तो वो इस प्रकार से ड्राफ्ट होना चाहिए कि जो व्यक्ति हम चाहते हैं उस तक वो पहुंच जाए. ये जो बात है,
ये जो लास्ट पॉइंट हमने अभी चर्चा की है, इसके बारे में मैं जब एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी तब आपको ये बताऊंगी। और लास्ट बात है, एडवर्टीजमेंट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक प्रकार से ये कम्युनिकेशन का साधन है। नाउ लेट्स सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट द कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एडवर्टीजमेंट सबसे बढ़िया तरीका है। इट हेल्प्स इन इंफॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द सर्विसेज एंड ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यूजफुल टू देम। एडवर्टीजमेंट कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है कि मार्केट में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं और क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल हैं किसी भी वस्तु की, और इससे हमें पता लगता है कि मार्केट में नया डेवलपमेंट अपग्रेडेशन क्या हो रहा है और क्या हमें अपील करेगा जो हम उसको खरीदेंगे। इट इज मेंट फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, यंग एंड ओल्ड पर्सन, मेन एंड विमेन बोथ। एडवर्टीजमेंट सभी के लिए बने होते हैं, बच्चों के लिए भी, यंगस्टर्स के लिए भी और ओल्ड पर्सन के लिए भी, और मेन विमेन सभी के लिए ये एडवर्टीजमेंट बने होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। पेड फॉर्म एडवर्टीजमेंट जो होते हैं, दीज आर पेड फॉर्म, पे किया जाता है, कोई स्पॉन्सर होता है वो एडवर्टीजमेंट को पे करता है। पेड फॉर्म एडवर्टाइजिंग रिक्वायर्स द एडवर्टाइजर ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्सर टू पे टू क्रिएट एन एडवर्टाइजिंग मैसेज, to buy advertising media slot and to monitor advertising efforts. Advertisement को पे किया जाता है और ये पे करने वाले को हम एडवर्टाइजर कहते हैं या स्पॉन्सर भी कहते हैं। ये स्पॉन्सर का काम होता है कि वो एक मैसेज क्रिएट करता है, वो मैसेज जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है, फिर वो किसी मीडिया स्लॉट को बाय करता है। जैसे अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना है तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करने के लिए जो सेक्शन होता है उस सेक्शन उस जगह को, उस सेक्शन को वो पैसे देकर खरीदता है और फिर उस सेक्शन में, न्यूज़पेपर की उस जगह में वो अपने मैसेज को एडवर्टाइज प्रिंट करके एडवर्टाइज करता है। नाउ इट इज टूल फॉर प्रमोशन। एडवर्टीजमेंट का एक और फीचर है वो ये कि वो प्रमोशन का बहुत आसान और अच्छा और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने वाला टूल है। इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल टूल for promotion for an organization. It is one-way communication. Advertisement is a one-way communication where the advertiser communicate to the target group or person through the desired medium. Advertisement one-way communication है। वन वे कम्युनिकेशन कैसे? एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जो स्पॉन्सर है, जो एडवर्टाइजर है, वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा देता है, अपने कस्टमर तक पहुंचा देता है, अपने टारगेट ग्रुप तक पहुंचा देता है, या उन लोगों तक जिन तक उसके मैसेज को पहुंचना चाहिए वो पहुंचा देता है। ये पर्सनल होते हैं और नॉन पर्सनल होते हैं। नॉन पर्सनल एडवर्टीजमेंट एज इन केस ऑफ टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स। पर्सनल
as in the case of social media. Now let's see the difference between non-personal and personal kind of advertisement. Non-personal, when the sponsor or the advertiser does not come face to face to the customer. Newspaper में advertiser अपना message print करने के लिए दे देता है, लेकिन वो अपने customer या target group से सीधा सामने आकर बातचीत या communication नहीं करता। टीवी में भी वही होता है। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दिए जाते हैं, लेकिन एडवर्टाइजर डायरेक्ट कनेक्शन में या कम्युनिकेशन में नहीं आता। वही बात रेडियो में है। और पर्सनल एडवर्टाइजमेंट में, जैसे कि सोशल मीडिया में होता है, एडवर्टाइजर खुद सामने आकर अपना मैसेज कम्युनिकेट करता है। Now let's see what are the features of a good and effective advertisement. Effective advertisement not only reaches potential customers and informs them of our products and services, but also persuades them to use your products and services. तो हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छा एडवर्टीजमेंट वही होता है जो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में न केवल जानकारी देता है, बल्कि उन्हें परसुएट करता है कि वो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से लाभान्वित हों। इसीलिए आपने देखा होगा कि टीवी में किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट हमेशा एक नहीं रहता, वो बदलता रहता है। क्यों बदलता है? जिससे उसमें चेंज आए। और ये चेंज की आवश्यकता क्यों है? जिससे लोग आकर्षित हों, और साथ ही साथ इन बदले हुए एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कंपनी ये भी बताना चाहती है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में क्या अपग्रेडेशन किया है, जिससे कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स को छोड़कर उन्हीं की कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ये सबसे बड़ी खूबी है एडवर्टीजमेंट की कि कस्टमर्स उन्हीं का प्रोडक्ट, उन्हीं की सर्विसेज को इस्तेमाल में लाएं, दूसरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बजाय। मेजर एडवर्टाइजिंग टाइप्स। प्रिंट एडवर्टाइजिंग होता है जो कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स और ब्रोशर में होता है। ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग जो टेलीविजन और रेडियो में होता है। आउटडोर एडवर्टाइजिंग जो कि होर्डिंग्स, बैनर्स, फ्लैग्स और रैप्स में होता है। रैप्स, होर्डिंग्स तो आप सबने देखा है, बैनर्स भी आपने देखा है, फ्लैग्स भी आपने देखा है, रैप्स आपने देखा होगा कि आप हल्दीराम के चिप्स लेकर आते हो। जो हल्दीराम का चिप्स आप खरीदते हो पैकेट, तो पैकेट जो कवरिंग होती है, रैप होता है, उस रैप में हल्दीराम का लोगो होता है और वो अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताते हैं। तो ये रैप्स भी एक प्रकार से एडवर्टीजमेंट का माध्यम है। फिर डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो कि इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस पर समय समय पे पॉपअप होती हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो आप देखते होंगे कि साइट में, कभी लेफ्ट साइड में, कभी राइट साइड में, या कभी आपके पेज के इन बिटवीन भी
एडवर्टीजमेंट मैसेजेस पॉपअप होते हैं, कभी पॉपअप होते हैं और कभी वो बीच में आते रहते हैं। तो ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग का माध्यम है और ये माध्यम दिन ब दिन बहुत बढ़ता चला जा रहा है। Now let's see what can be advertised to sell plot, flat, bungalow, car, scooter, washing machine, कुछ भी आपको बेचना है तो आप उसको advertisement के माध्यम से बेच सकते हो। To let आपको hall, flat, house, shop किराए पर देना है तो आप उसको भी advertise कर सकते हो। Wanted सर्विसेज, कोई सर्विस आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है उसे ट्यूशन पढ़ाना है तो वो एडवर्टाइज कर सकता है कि मैं क्लास 5 to 8 को मैथ्स और साइंस पढ़ाना चाहता हूँ, मैं घर में भी आकर पढ़ा सकता हूँ, होम ट्यूशन की फैसिलिटी भी दे सकता हूँ, तो ये उसकी सर्विस है, इस सर्विस को वो एडवर्टाइज कर सकता है। और किसी को ट्यूशन टीचर की आवश्यकता है उसको भी वो एडवर्टाइज कर सकते हैं, वांटेड अ ट्यूशन टीचर टू टीच टू क्लास 8 एंड क्लास 9 चिल्ड्रन एट दिस प्लेस, कोई भी जगह हो सकती है ना। तो वांटेड और सर्विसेज दैट कैन बी एक्सटेंडेड, ये दोनों ही बातें एडवर्टाइज की जाती हैं। जैसे टीचर हुआ वैसे फुल टाइम नर्स का भी सर्विसेज प्रोवाइड करना है या वांटेड है, दोनों भी एडवर्टाइज किए जाते जा सकते हैं। कुक है, हाउसकीपर है, ऐसे बहुत सी सर्विसेज हैं जिनको एडवर्टाइज किया जा सकता है, या ऐसी बहुत सी सर्विसेज हैं जिनकी ज़रूरत है लोगों को, वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। वी आर इन नीड ऑफ अ हाउसकीपर टू टेक केयर ऑफ द हाउस फ्रॉम 9 AM इन द मॉर्निंग टू 8 PM इन द इवनिंग, सैलरी सो एंड सो, फैसिलिटी सो एंड सो। देन नेक्स्ट वांटेड सिचुएशन वेकेंट, एक क्लर्क की सिचुएशन श्रीमती बिंजानी महिला महाविद्यालय में वेकेंट है, इसको कैसे बताएंगे? एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से बताएंगे कि वी नीड अ क्लर्क, अ सिचुएशन इज वेकेंट ऑफ अ क्लर्क, सो ऑल दोज हु आर क्वालिफाइड कैन अप्लाई इन द कॉलेज। सिमिलरली अकाउंटेंट, लेक्चरर, रिसेप्शनिस्ट, किसी भी जॉब को एडवर्टाइज किया जाता है जिससे वो टारगेट ग्रुप तक पहुंचता है और फिर टारगेट ग्रुप अप्लाई करता है और काम इस तरीके से आगे करता है। ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, ये भी एडवर्टाइज किया जाता है। अब तो व्यवस्थित आपने देखा होगा कि गूगल में आपको व्यवस्थित पेजेस आते हैं, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, matrimonial.com, देन लॉस्ट एंड फाउंड, इफ एनीथिंग इज लॉस्ट इट इज एडवर्टाइज, इफ एनीथिंग इज फाउंड दैट इज ऑल्सो एडवर्टाइज, कि भाई एक बैग मिला है जिसमें पासपोर्ट है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस है और व्यक्ति का नाम ये बताया लिखा हुआ है, जिस किसी का भी है वो फलाने फलाने एड्रेस में आकर ले जा सकते हैं। देन मिसिंग पर्सन, थिंग एक्सेट्रा, इसको भी एडवर्टाइज किया जाता है। देन चेंज ऑफ नेम, एड्रेस, प्रॉपर्टी ओनर, मोबाइल नंबर, दिस इज ऑल्सो एडवर्टाइज्ड। एंड क्वाइट फ्रीक्वेंटली
These advertisements are seen in the newspapers. This is a page from the Hitwad newspaper, City Line of Hitwad, to show you how small ads come up in the newspaper. This is the fifth page of the City Line, where you find advertisements which are related to property sale. See, this is property sale, then tours and travels, then services. Many small ads come on this page. See, these are the messages which are communicated through advertisement. Keep calm and stop drinking alcohol. This is another advertisement which gives message about Save Girl Child in India. Beti Bachao, Beti Padhao. This is an initiative of government and NGO. Another advertisement, to save the earth. Our earth is in trouble and it needs to be saved. Attention should be diverted towards its saving. These are the messages which are communicated to the society through advertisement. A message which tells, stop smoking, otherwise your life will be burnt. And there is a burning image of a man. See. Now, what is to be kept in mind while writing advertisement? There should be catchy headline. Headline should be catchy so that people are attracted towards the advertisement. Language should be simple so that all those who read the language understand, who read the advertisement understand the language used in the advertisement, so that this helps in better understanding of the message. And the message that is written in the advertisement, it should be brief and clear. Sanchipt hona chahiye aur samajh mein aana chahiye. Kisi bhi prakar ka confusion nahi hona chahiye. Use minimum words to convey message. घुमा घुमा के आपको कहना नहीं है, सीधी सी बात सीधे ढंग से कहनी है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से. ट्राई टू अवॉइड यूजिंग कैरेक्टर्स लाइक आर्टिकल्स ए एंड द कनेक्टर्स एंड और इफ सो दैट बिकॉज व्हाइल एंड लिंकिंग वर्ड्स लाइक नेक्स्ट लास्ट फाइनली इन एडिशन मोर ओवर also another further furthermore and then lastly at the end of the advertisement you should mention contact details. This you will better understand when you will understand a example. In your fifth semester question paper, question number 1B is on writing an advertisement copy for the newspaper
and it carries 5 marks. Some examples from your syllabus only, like you want to sell your well-furnished bungalow at Bajaj Nagar. Write an advertisement copy with all details to be published in newspaper. See, what is there? A well-furnished bungalow is there. Where? At Bajaj Nagar. And what you have to do? You have to publish in newspaper what? That you want to sell the well-furnished bungalow. So, what will be the heading? Heading will be 3 BHK, bedroom, hall, kitchen, bungalow to sell. Now here, heading should be catchy. This is what we have studied. It should be catchy. And here it is catchy that a 3 bedroom, hall, kitchen, bungalow is to be sold. Okay? And the heading has to be written in capital letters. All capital. See, 3 BHK bungalow to sell. And it should be centrally aligned. Beech mein hona chahiye ye heading. Or fir, next line se, you have to write down the message. And you need not have to begin in a paragraph manner, just from the margin. This is the margin, and from here you will begin. How? A well-furnished, east-facing, single-story bungalow with built-up area, 2600 square feet and garden, 1000 square feet, situated at plot number 521, opposite Orbital Empire in Bajaj Nagar area of Somalwada, is available for sale. Now, here you will see in this one sentence from a well for sale, what information you get? You get the information that the bungalow is well furnished. It is east facing. It is single story. Built up area जिस पर मकान बना हुआ है वो 2600 square feet का है और garden जो है that is of 1000 square feet and this bungalow is situated at plot number 521 and this plot number 521 is opposite Orbital Empire in Bajaj Nagar area of Somalwada. Okay, in this sentence you find that you get every information about bungalow, its situation, its location, its built up area, garden, east facing, location in area. You get everything. Then, in the next sentence, 3 bedrooms with attached bathroom, a hall, a common toilet room, a puja room and a well-organized garden surrounding the built-up area. In the first sentence, you have mentioned every detail about the location and situation of the bungalow. In the second sentence, you give every detail about the built-up area of the bungalow. Built-up area is 2,600 square feet. And out of this 2,600 square feet area, there are 3 bedrooms. And each bedroom has bathroom attached. Ek hall hai. एक कॉमन टॉयलेट है और एक पूजा रूम है और किचन है ठीक है और इसके अलावा देयर इज अ गार्डन और गार्डन ऑर्गेनाइज्ड है ना देन इन द नेक्स्ट
close to market, bus stand, multi-speciality hospital and a green garden gymnasium. बंगलो के आसपास क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं? मार्केट है, बस स्टैंड है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ग्रीन गार्डन जिम है, 24 आवर्स वाटर सप्लाई. इंटरेस्टेड मे कॉन्टैक्ट अनिकेत शर्मा एट दिस नंबर 9766481334 एंड टाइमिंग्स आर 5 PM एंड 7 PM ऑन ऑल डेज. देखिए इस एडवर्टीजमेंट में व्हाट यू फाइंड इज देर इज अ कैची एंड हेडलाइन विच इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स. देन देर इज एवरी डिटेल अबाउट द बंगलो एंड देन यू सी द सेंटेंसेस आर शॉर्ट रिटन विथ कॉमा एंड देर इज नो एंड द यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रपोजिशंस और कनेक्टर्स इज अवॉइडेड. सी इट इज मेंशन्ड हियर सिचुएटेड एट प्लॉट नंबर 521 एंड इट इज ऑपोजिट टू ऑर्बिटल एम्पायर. इट इज नॉट रिटन लाइक दैट. इट इज रिटन सिचुएटेड एट प्लॉट नंबर 521 ऑपोजिट ऑर्बिटल एम्पायर. कनेक्टर्स लिंकिंग वर्ड्स अवॉइड किए गए हैं. उनकी जगह क्या यूज किया गया है? कॉमा. एंड यू सी इवन इफ द कनेक्टर्स द लिंकिंग वर्ड्स द आर्टिकल्स प्रपोजिशंस आर अवॉइडेड और इफ यूज्ड आर यूज्ड मिनिमली बट मैसेज इज कम्युनिकेटेड कंप्लीटली. कोई मैसेज ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको लगती नहीं कि अधूरी है. अपने आप में पूरी है. और फिर हमने जाना था कि लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल देना है. कॉन्टैक्ट डिटेल हमने दिया. दिस इज अनिकेत शर्मा, हिज मोबाइल नंबर एंड हिज टाइमिंग्स व्हेन ही कैन बी कॉन्टैक्टेड. एंड लास्टली आई विल लाइक टू मेंशन दैट After you complete with the advertisement, you have to draw a box like this. Every advertisement has to be written within a box. See, I have made this box with orange line. So you have to keep in mind that after you are done with the advertisement, you have to draw this box. Or else, my dear students, you can also do this. You can draw three lines. These three lines. You can draw this line, then this line, and then this one. And when you are done with the advertisement, you can draw this one to close the box. I hope with this example, you must have understood the art of writing an advertisement. And since you have to write an advertisement that is to be published in newspaper, so I have taken example of this advertisement only. Now second example. Again, this is the question which appears in the question paper. You want to sell your agricultural land on Chandrapur Highway. Write an advertisement copy with all details to be published in newspaper. So here, what is asked? You have to sell agricultural land and its location is also mentioned. The land is on Chandrapur Highway and you have to write an advertisement copy to be published in newspaper. So a catchy heading in capital letters: agricultural land to sell. Now this is the message: 35 acres of agricultural farmland on Chandrapur Highway and 87 kilometers from Nagpur to sell. This is the location of the agricultural land, that it is 87 kilometers from Nagpur
and its area is 35 acres and it is agricultural farmland. 100 orange trees spread on 10 acres and ready for harvesting from next season. 50 mango trees spread on 10 acres and ready for harvesting after 3 years. 50 fully grown and mature guava trees spread on 5 acres. 6. See, in this sentence, all detail is there about the 35 acres of agricultural farmland. ये 35 acres का जो farmland है, उसमें से 10 acre पर 100 orange trees हैं, 10 acre पर 5 mango trees हैं, जो कि 3 साल बाद harvest के लिए ready होंगे, और 50 guava trees हैं, जो कि fully grown हैं, और उन पर फल आ रहे हैं, और ये 5 acres के land पर हैं. और इस एग्रीकल्चरल लैंड में 6 वेल्स हैं और पानी 12 महीना रहता है. 6 वेल्स विद ईयर वाटर ईयर राउंड. स्मॉल फार्म हाउस भी है ऑफ 800 स्क्वायर फीट. प्राइस पर एकर रुपीस 5 लाख. इंटरेस्टेड में कांटेक्ट सूर्य प्रकाश अग्रवाल, House number 37, near water tank, Kalka Nagar, Nagpur, 440032, mobile number 9123476589. And then, after I am done with the advertisement copy, I will draw this box. Drawing this box outside the advertisement copy is compulsory. Very necessary. Now, example 3. Again, this is a question from the question paper only. Write an advertisement copy to be published in newspaper for the post of clerk in JMP College, Nagpur. So, what is to be advertised here? A post, a vacancy is advertised. The vacancy is of clerk in JMP College, Nagpur. So, coming to the heading of the advertisement, wanted a clerk. Heading is in capital and it is wanted. A clerk wanted in JMP College, Nagpur. What is wanted? A clerk. Now, if a clerk is wanted, the rest thing is its qualification. Candidate should be commerce graduate with good oral and written communication skills, strong work ethics and a service-based attitude. So what is the desired qualification? Required qualification first. The required qualification is the candidate should be commerce graduate. See, for a clerk, a commerce graduate is needed. So while writing advertisement about wanted, you have to mention the required qualification as per the post which is to be advertised. Like here, it is the post of clerk, so you have to mention the qualification required for the post of clerk, and it is commerce graduate. Then the desired qualification is the candidate should have good oral and written communication skills. Without good communication skills, it is very difficult to work. Strong work ethics. Work culture hona chahiye candidate mein. Aur service based attitude. Service karne ka attitude hona chahiye candidate mein. Knowledge of working on computer must. Computer ka knowledge must hai. And age, it should not be more than 30 years. Starting salary, rupees 10,000 per month. Preference to experienced candidates. Now see, preference to experienced candidates will be given
We do not write like that. We write preference to experienced candidates. Interested may contact college office for application form between 11 a.m. and 4 p.m. on all working days. भाई application कब आनी है वो बताना भी जरूरी है, कहाँ आनी है ये भी बताना जरूरी है. तो application कहाँ आनी है? कॉलेज ऑफिस में. टाइम क्या है application के आने का? सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच में, लेकिन वो वर्किंग डे होना चाहिए, हॉलीडे नहीं होना चाहिए. एंड लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अलोंग विद रेज्यूमे, आपको एप्लीकेशन अपने रेज्यूमे के साथ देना है. और लास्ट डेट है 25 जनवरी 2021. लास्ट डेट बताना जरूरी है, उस डेट तक ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे. Now, last example, writing an advertisement copy to be published in newspaper for the post of an English lecturer in SSMP Mahavidyalay, Aurangabad. This is again a question from question paper. So, this advertisement copy is about the post of an English lecturer vacant in SSMP Mahavidyalay, Aurangabad. Heading, Post of English Lecturer Vacant. In the previous example, we have seen the heading was written, Wanted a Clerk. Here, it is Post of English Lecturer Vacant. So, these are the two formats in which it can be mentioned. Okay, it can be mentioned. Post of an English lecturer vacant. Here, post of an English lecturer vacant is not mentioned. Post of English lecturer vacant. Applications are invited for the clear post of a lecturer in English in SSMP Mahavidyalay, Aurangabad. So, what this sentence says? That there is a clear post. Clear post matlab permanent post hai. Ad hoc ya contributory post nahi hai. Permanent post hai. Kiski? Lecturer in English ki. Kahan par? SSMP Mahavidyalay mein. Ye kahan par hai? Aurangabad mein. Ab, what is the required qualification? Candidate should be first division in BA with English literature as one subject. So the required qualification is BA with English literature as one subject and divisions should be first. Then MA in English with minimum 55% score. MA hona chahiye English mein, English literature mein. Aur percent kitna hona chahiye? 55% and above. Minimum 55 matlab कम से कम 55%, नहीं तो फिर 55 से अबव. एंड शुड हैव अ बीएड फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज एंड विथ इंग्लिश एज वन टीचिंग सब्जेक्ट. और कैंडिडेट का बीएड भी होना चाहिए. बीएड में इंग्लिश एक टीचिंग सब्जेक्ट जरूर से होना चाहिए. क्यों? क्योंकि पोस्ट है इंग्लिश के टीचर की. तो आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बता दी. सैलरी एज पर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स. गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट है, तो सैलरी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होगी. इंटरेस्टेड मे कॉन्टैक्ट कॉलेज ऑफिस फॉर एप्लीकेशन फॉर्म बिटवीन 11 एम एंड 4 पीएम ऑन ऑल वर्किंग डेज. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 जनवरी 2021. अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान में रखिए. यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इंटरेस्टेड जो है मे कॉन्टैक्ट कॉलेज ऑफिस फॉर एप्लीकेशन फॉर्म. मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपका खुद का नहीं होगा.
का कॉलेज प्रोवाइड करने वाला है और उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन फिल कर कर 11 से 4 के बीच में वर्किंग डेज में कॉलेज ऑफिस में जमा करना है और लास्ट डेट एप्लीकेशन की है 25 जनवरी 2021। एंड देन फाइनली यू विल ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द कॉपी ऑफ द एडवर्टीजमेंट लाइक दिस। आई सपोज यू स्टूडेंट्स माइट हैव अंडरस्टूड हाउ यू हैव टू राइट अ कॉपी ऑफ एन एडवर्टीजमेंट फॉर योर एग्जाम। Now, assignment. Write an advertisement copy to be published in newspaper for the post of an English teacher in Priyadarshini School, Savani. ये आपके लिए एक advertisement copy लिखने का assignment है. यहाँ पर क्या है? You have to write an advertisement copy for the post of an English teacher. कहाँ पर? Priyadarshini School. कहाँ पर? Savani. Now this is school, so you have to advertise for the post of English teacher. Since it is for the post of English teacher in a school, as per that you have to write the required qualification or salary and then about the application form. ये तीन बातें लिखकर आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है और साथ ही साथ चेक करना है कि आपने एडवर्टीजमेंट लिखना अच्छे तरीके से सीखे हो या नहीं। Thank you.